बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम उम्मीद है कि आपने जो लास्ट लेक्चर से हमारे वो सुने होंगे और जिसमें हम अपने फंडामेंटल राइट्स को कवर कर रहे हैं आज फ़ंडामेंटल uh, राइट्स हमारे शुरू होते हैं आर्टिकल एट से लेके हमारे जाते हैं ऑनवर्ड आर्टिकल ट्वेंटी एट तक आर्टिकल एट से लेकर ट्वेंटी तक हम जो है वो लास्ट लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं और आज हम देखेंगे आर्टिकल ट्वेंटी वन से लेकर आर्टिकल ट्वेंटी फोर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ पाकिस्तान नाइनटीन सेवेंटी थ्री सो लेट्स गेट स्टार्टिट आर्टिकल ट्वेंटी टू कह रहा है सेव गार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर परपज ऑफ़ एनी पर्टिकुलर रिलीजन मतलब कि अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए कोई टैक्स इम्पोज किया जाता है तो दूसरे लोग उस टैक्स से कैसे बच सकते हैं जो कि उस रिलीजन से जो है वो बिलोंग नहीं करते नो पर्सन शैल बी कम्पेयर आप इसको इस तरह से भी रीड कर सकते हैं कि नो वन नो वन शैल या पर्सन शैल नॉट बी कम्पेयर इस तरह से भी कर सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि वो नेगेटिव में बात कर रहे हैं नो पर्सन शैल बी कम्पेयर टू पे एनी स्पेशल टैक्स आप किसी भी शख्स को कम्पेयर नहीं कर सकते वो कि वो कोई स्पेशल टैक्स जो है वो पे करें द proceeds ऑफ़ विच आर टू बी स्पेंड ऑन द प्रोपगेशन और maintenance ऑफ एनी रिलीजन अदर दैन his own. अब ये बात इम्पोर्टेंट है कि उसने कहा कि आप किसी भी शख्स पे कोई ऐसा स्पेशल टैक्स इम्पोज़ नहीं कर सकते वो वाला टैक्स जिसका पैसा आपने एक ऐसे रिलीजन की मैंटेनेंस पे लगाना है जो कि उसका रिलीजन नहीं है उस शख्स का रिलीजन नहीं है इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुस्लिम है और मुस्लिम पर आपने टैक्स इम्पोज़ किया है फॉर द मैंटेन्स ऑफ इस्लाम तो आप वो टैक्स जो है वो हिंदूज़ पे या फिर क्रिश्चियंस पे इम्पोज नहीं कर सकते क्योंकि वो रिलीजन तो मुस्लिम्स का है ना तो हिंदू और क्रिश्चियंस क्यों उसको पे करें तो उसने यही कहा है कि किसी भी शख्स को आप कंपेल नहीं कर सकते कि वो कोई स्पेशल टैक्स पे करें किसी ऐसे, ऐसे उस रिलीजन की मेंटेनेंस के लिए जो कि उसका नहीं है तो ये उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल ट्वेंटी टू सेफ गार्ड्स एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन ये इन्होंने अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे कुछ रिस्ट्रिक्शन इंपोज़ की हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन रिलीजन को देखते हो ये सारे हमारे रिलीजियस राइट right जो है वो कंटिन्यू हैं नो परसन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर कोई भी शख्स किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है शेल बी रिक्वायर्ड टू रिसीव रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो ये वाली रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इम्पोज़ करें एंड टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस सरमनी किसी भी रिलीजियस सरमनी में जो है वो पार्ट ले या अटेंड एनी रिलीजियस वर्शिप या किसी इबादत में जो है वो हिस्सा ले इफ़ किस सूरत हाल में अगर सच इंस्ट्रक्शन सरमनी और वर्शिप रिलेट्स टू तो आर रिलीजन अदर देन हिज ऑन अगर वो इंस्ट्रक्शन सरमनी या वर्शि उसके रिलीजन से रिलेटेड नहीं है तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि तुम ये फॉलो करो जैसा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में मोस्टली जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी स्कूल्स होते हैं मुस्लिम मेजॉरिटी में होते हैं वहाँ पे लेकिन वहाँ कुछ हिंदूज़ और क्रिश्चियंस भी पढ़ रहे होते हैं ऐसी सूरत हाल में अगर मुसलमानों की कोई इबादत है कोई इंस्ट्रक्शन है या कोई सरमनी है जो कि रिलीजियस है उसमें आप क्रिश्चियंस को और हिंदूज को जो है वो कंपेल नहीं कर सकते कि वो भी जो है वो मुसलमानों की सरमनी को आ, 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 अटेंड करें या उसमें पार्ट लें या कोई भी वर्शिप जो है वो परफॉर्म करें एंड द नेक्स्ट हमारे पास क्लॉज कह क्लॉज टू कह रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कि किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में देर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि आप कह लें कि किसी की बेजा हमायत करना या आप कह लें कि डिफ्रेंस जो है वो किसी को कुछ डिस्क्रिमिनेशन का ईजी वर्ड क्या हो सकता है लाइक आप कह लें कि किसी को ज़्यादा प्रिविलेज़ दे दी गई हैं और किसी को बिल्कुल थोड़ी देगी यानी कि फ़र्क करना डिस्क्रिमिनेशन फ़र्क करना आप उसने कहा कि किसी में फ़र्क नहीं कर सकते अगेंस्ट एनी कम्युनिटी किसी भी कम्युनिटी को लेके किस सिलसिले में इन द ग्रांटिंग ऑफ एग्जैम्पन और कंसेशन इन रिलेशन टू टैक्सेशन टैक्स के, के मामला में आप किसी भी कम्युनिटी में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन कोई भी फ़र्क नहीं करेंगे ऐसा नहीं करेंगे कि किसी को आप कहेंगे बिल्कुल भी एग्जैम्प्ट कर दिया कि ये बिल्कुल भी ना दे किसी को कंसेशन दे दी कि भाई ये वाली कम्युनिटी ज़्यादा देगी और ये वाली कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा कम टैक्स पे करेगी कंसेशन देना तो ऐसा आप नहीं कर सकते ये था हमारे पास आर्टिकल ट्वेंटी टू का क्लॉज टू देन हमारे पास है आर्टिकल ट्वेंटी टू का क्लॉज थ्री सब्जेक्ट टू लॉ का मतलब होता है कि कानून के मुताबिक लॉ के अकॉर्डिंग नो रिलीजियस कम्यूनिटी और डिनोमिनेशन अब डिनोमिनेशन का क्या मतलब है डिनोमिनेशन का मतलब होता है कि एक हमारे पास मेन रिलीजन होता है फिर उसकी नेक्स्ट आगे ब्रांचेज होती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस्लाम है मुसलमान है मुसलमान जो है वो एक कम्यूनिटी हो गई ना उसकी आगे डिनोमिनेशनज़ हैं आगे कैटेगरीज़ हैं लाइक अहले सुन्नत अहल हदीस तो ये उसकी आगे कैटे, कैटेगराइजेशन है तो जो अहल सुन्नत है वो कहेंगे कि ये डिनोमिनेशन है ये उसकी जो है वो मुसलमानों की एक कैटेगरी है तो उसने कहा कि कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी या डिनोमिनेशन या कोई सी भी रिलीजियस कम्युनिटी की जो आगे कैटेगरी होगी शेल बी प्रिवेंटेड अब आपने नो के साथ इसको मिला के पढ़ना है शेल नॉट बी प्रिवेंटेड फ्राम प्रोवाइडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन फॉर पीपल्स ऑफ डैट कम्यूनिटी अब वो कह रहा है कि आप किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी या डिनोमिनेशन को प्रिवेंट नहीं कर सकते रोक नहीं सकते कि वो पीपल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स के वो या शागिर्द के वो अपनी कम्यूनिटी के लोगों को जो है वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे और किसी भी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि वो ख़ुद उसको डील कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर अहले सुन्नत का एक मदरसा है अहले सुन्नत ही उसको जो है वो डील कर रहे हैं तो कोई और कम्युनिटी या लॉ जो है वो उनको प्रिवेंट नहीं कर सकता कि वो अपनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो है वो नेक्स्ट फॉरवर्ड ना करें इसको आप सिंपल समझ सकते हैं कि आप किसी भी शख्स को उसके मज़हब की तब्लीग करने से रोक नहीं सकते देन आ जाता है हमारे पास क्लॉज थ्री का बी पॉइंट है नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अब उसने कहा कि किसी भी शख्स को आप रोक नहीं सकते कि वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो है वो एडमिशन ले अब वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ज़ाहिर बात है रिलीजियस राइट्स की बात हो रही है तो वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ही होगा रिसिविंग एड फ्राम पब्लिक रेवनी अब जो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा वो पब्लिक रेवनीू पर चल रहे जिस तरह ट्रस्ट वग़ैरह होती हैं या लोग जो है वो रेवेन्यू देते हैं एड देते हैं उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए अब कोई भी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो लोगों के रेवेन्यू पे चल रहा है पब्लिक रेवेन्यू से चल रहा है उसमें हर सिटीज़न का राइट right है कि वो एडमिशन ले सकता है उसमें आप किसी को मना नहीं कर सकते किस बुनियाद पे मना नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रेस ज़ात की बुनियाद पे मज़हब की बुनियाद पे कास्ट और प्लेस ऑफ़ बर्थ या फिर उसकी प्लेस ऑफ़ बर्थ की बुनियाद पे जो है वो आप उसको कह दें कि भाई तुम यहाँ पैदा ही नहीं हुए या तुम्हारी प्लेस ऑफ़ बर्थ कोई और है तुम्हारी कास्ट और है तुम्हारा रिलीजन और है तुम इधर एडमिशन ही ले सकते तो ऐसा नहीं होगा नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक्सेप्शन आ गई है इस आर्टिकल की उसने कहा नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट एनी पब्लिक अथॉरिटी फ्रॉम मेकिंग प्रोविजन फॉर द एडवासमेंट ऑफ एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ़ सिटीजनस वो ये कह रहा है कि ये जो आर्टिकल है वो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को रोक नहीं सकता कोई भी ऐसी प्रोविज़न बनाने के लिए जो उसने बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीज़न या जो देहात के रहने वाले लोग हैं या बैकवर्ड एरियाज़ के रहने वाले लोग हैं अगर उनकी बेहतरी के लिए उसने कोई प्रोविज़न बनाई है तो उस पर ये आर्टिकल जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा उसमें वो जो है वो उनकी एडवांसमेंट के लिए कोई भी जो वो अथॉरिटी है काम कर सकती है ये थे हमारे रिलीजियस राइट्स आर्टिकल ट्वेंटी टू एंड द नेक्स्ट इज़ आर्टिकल ट्वेंटी थ्री अब हमारे जो नेक्स्ट दोनों आर्टिकल्स हैं वो प्रॉपर्टी राइट right से डील करते हैं आर्टिकल ट्वेंटी थ्री कह रहा है प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी एवरी सिटीज़न शैल हैव द राइट टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ़ प्रॉपर्टी अब हर सिटीज़न के पास राइट है कि वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है ख़रीद सकता है होल्ड कर सकता है एंड डिस्पोज ऑफ़ यानी कि नेक्स्ट भी बेच सकता है इन एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में ये पाकिस्तानी सिटीजनस की बात हो रही है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनी रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय ला लेकिन हाँ अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने या लॉ ने कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज़ की हैं तो वो उसको फॉलो करनी पड़ेंगी फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट का जो है वो एरिया है उसमें हो सकता है गवर्नमेंट ने ये ये रिस्ट्रिक्शन लगाई हो कि भाई आम पब्लिक यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकती तो ऐसी सूरत में हाल में आप ये नहीं कह सकते कि भाई एक्वायर करने का प्रॉपर्टी एक्वायर करने का मेरा राइट है तो मैंने यहाँ प्रॉपर्टी लेनी है ऐसा नहीं होगा अगर लॉ ने या कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज़ किया तो वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स अब देखिए आर्टिकल ट्वेंटी थ्री ने प्रॉपर्टी राइट right दे दिया है आपको कि आप एक्वायर कर सकते हैं होल्ड कर सकते हैं डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में आर्टिकल ट्वेंटी फोर जो है वो उन्हीं राइट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं वो कह रहे हैं नो पर्सन शैल बी कंपल्सरली डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी किसी भी शख्स को आप ज़बरदस्ती जो है वो उसकी प्रॉपर्टी से महरूम नहीं कर सकते सेव इन अकॉर्डेंस विद भी वर्ड सेव इन का आ जाए तो आपने समझ लेना कि भाई ये एक्सेप्शन आ गई है जनरल रूल क्या है कि किसी भी शख्स को आप उसकी प्रॉपर्टी से महरूम नहीं कर सकते एक्सेप्शन क्या है सेव इन अकॉर्डेंस विद द जब तक के लॉ इजाज़त ना दे अब ला किन चीज़ों सूरत हाल में इजाजत दे सकता है वो भी इसी आर्टिकल में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लॉस टू है नो प्रॉपर्टी शैल बी कंपल्सरी एक्वायर्ड और टेकन पोजेशन ऑफ टेकन पोजेशन अब उसने कहा कि किसी भी प्रॉपर्टी को आप जो है वो जबरदस्ती एक्वायर नहीं कर सकते या उसकी पोजेशन किसी से छीन नहीं सकते उसके मालिक से फिर सेव का वर्ड आ गया सेव फॉर अ पब्लिक पर्पस यानी कि पब्लिक पर्पज के लिए आप जरूर ऐसा कर सकते हैं और पब्लिक पर्पस के लिए भी कौन करेगा कोई अथॉरिटी ऑफ लॉ करेगी यानी कि कोई भी आम बंदा उठ के दूसरे शख्स को जो है वो उसकी प्रॉपर्टी से महरूम कर दे कि भाई मैं तो ये पब्लिक पर्पस के लिए कर रहा हूँ ऐसा नहीं होगा अथॉरिटी ऑफ लॉ करेगी विच प्रोवाइड्स फॉर कम्पनसेशन जो कि कंपनसेशन भी पे करेगी उसकी और जो कंपनसेशन की अमाउंट है वो हो सकता है फिक्स हो या अगर फिक्स नहीं है तो वो जो अथॉरिटी है जो प्रॉपर्टी ले रही है स्पेसिफाइज द प्रिंसिपल्स वो कुछ प्रिंसिपल्स बता देगी एंड द मैनर इन विच कंपनसेशन इज़ टू बी डिटर्मन या कोई भी ऐसा मैनर बता देगी कि इन चीज़ों को देखते हुए इस प्रॉपर्टी की जो है वो कंपनसेशन फ़िक्स की जाएगी एंड गिवन और फिर उसको वो जो है वो कंपनसेशन दी जाएगी ठीक है उसकी प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं पब्लिक पर्पज़ के लिए लेकिन उस प्रॉपर्टी के लिए उसको आप कंपनसेशन भी पे करेंगे और वो कंपनसेशन जो है वो अथॉरिटी ऑफ लॉ जो है वो खुद डिसाइड करेगी हो सकता है वो मार्केट वैल्यू को देखते हुए डिसाइड या हो सकता है वो देखे कि ये प्रॉपर्टी कितनी फ़ायदेमंद है तो फिर उस लिहाज से भी वो उसकी जो है वो कंपनसेशन की अमाउंट जो है वो डिटर्मिन करेगा एंड द नेक्स्ट अब हमारे पास शुरू हो गई हैं इसकी एक्सेप्शन जनरल रूल उसने हमें क्या दिया है कि जी आप किसी भी शख्स को उसकी प्रॉपर्टी से महरूम नहीं कर सकते हाँ पोजेशन ले सकते हैं एक्वायर कर सकते हैं पब्लिक पर्पस के लिए लेकिन उसके लिए भी कंपनसेशन दे के अब आगे उसने एक्सेप्शन दी है उसने कहा नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ अब जो नेक्स्ट उसने ये पॉइंट्स दिए हैं ना हमें ये वाले पॉइंट्स जो बुलेट्स में आपको नजर आ रहे हैं ये सारे पॉइंट्स इसकी इसकीप्शन हैं उसने कहा है कि ये जो आर्टिकल था हमारा ट्वेंटी फोर वो इन पॉइंट्स की वैलिडिटी को अफेक्ट नहीं करेगा ये आर्टिकल जो है वो इन पॉइंट्स पे अप्लाई इन सूरत हाल पे अप्लाई नहीं होगा अब हम देखते हैं कि ये कैसी हैं कैसी सिचुएशन हैं एनी लॉ परमिटिंग द कंपलसरी एक्विजिशन और टेकिंग पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी एनी लॉ परमिटिंग लॉ परमिशन दे रहा है आपको कोई भी ऐसा लॉ जो कम्पल्सरी एक्विजिशन और टेकिंग पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी अगर कोई भी ऐसा ला जो कंपल्सरी ज़बरदस्ती जो है वो किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने की या उसकी पोजेसन जो है वो लेने की इजाज़त दे रहा है किस लिए फॉर प्रिवेंटिंग डेंजर टू लाइफ डेंजर टू प्रॉपर्टी एंड डेंजर टू पब्लिक हेल्थ अगर वो प्रॉपर्टी से किसी की ज़िंदगी को प्रॉपर्टी को या पब्लिक हेल्थ को ख़तरा है तो लॉ फिर इजाजत देता है कि जो स्टेट है या अथॉरिटी ऑफ लॉ है वो उसको एक्वायर कर सकती है फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिल्डिंग है वो गिरने के दर पे है गिरने वाली है तो आप उस प्रॉपर्टी में या उस घर में रहने वाले लोगों को भी बाहर निकालेंगे क्योंकि हो सकता है जब वो बिल्डिंग गिरे तो आस के लोग भी उससे इफ़ेक्ट हों तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो कंपलसरी आप उन शख्स उन मालिकान को या उस घर में रहने वालों को जो है वो उधर से निकाल सकते हैं उस पर ये आर्टिकल अप्लाई नहीं होगा उसमें वो ये नहीं कह सकता कि भाई आप मेरी प्रॉपर्टी आप मुझे ज़बरदस्ती यहाँ से नहीं निकाल सकते उस पर जो ये उन्होंने एक्सेप्शन में लिख दिया है देन एनी ला परमिटिंग द कोई भी ऐसा ला जो इजाजत दे रहा है द टेकिंग ओवर ऑफ एनी प्रॉपर्टी किसी भी प्रॉपर्टी को टेक ओवर करने की विच हैज बीन एक्वायर्ड जो कि एक्वायर्ड की गई है और कम इन टू पोजेशन या उसकी पोजेशन ली गई है बाय एनी अनफेयर मीन्स और इन एनी मैनर कॉन्ट्रारी टू ला आप देखें किसी शख्स ने किसी की प्रॉपर्टी अनफेयर मीन से या किसी भी ऐसे मैनर से जो ला के अगेंस्ट था उसकी पोजेसन ले ली उसको एक्वायर कर लिया है तो फिर ला इजाजत देता है कि आप उसको टेक ओवर कर सकते हैं ऐसा नहीं है अगर किसी शख्स ने किसी की प्रॉपर्टी फ्रॉड से जो है वो ले ली है ज़बरदस्ती उसे छीन ली है तो फिर वो ही उसका मालिक बन गया वो कहेगा अब मे मेरे पास इसकी पोजेसन है आप मुझसे नहीं ले सकते मैंने जिस मर्जी जरिए से इसको हासिल किया हो तो उधर ला इजाज़त दे रहा है कि अगर कोई अनफेयर मीन से पोजेसन छीन रहा है किसी दूसरे शख्स से तो आप उस प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर सकते हैं एंड द नेक्स्ट इज़ एनी लॉ रिलेटिंग टू द एक्विजिशन एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्पोजल ऑफ मैनी प्रॉपर्टी विच इज़ डीम्ड टू बी एनिमी प्रॉपर्टी और इवैक्यू प्रॉपर्टी अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी वैक्यू प्रॉपर्टी लाइक जिसका कोई मालिक नहीं है अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई मालिक नहीं है या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी जो कि एनिमी की प्रॉपर्टी है किसी दुश्मन की प्रॉपर्टी है लाइक अब वो आ, उसने क्या कि आप जो है वो एक्वायर भी कर सकते हैं उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं और नेक्स्ट जो है वो डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं उस पर भी आर्टिकल ट्वेंटी फोर का जो जनरल रूल है वो अप्लाई नहीं होगा एनी ला प्रोवाइडिंग फॉर द टेकिंग ओवर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ आनी प्रॉपर्टी बाय द स्टेट फॉर अ लिमिटेड पीरियड अब उसने कहा कि स्टेट भी किसी प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट को टेक ओवर कर सकती है ले सकती है फॉर अ लिमिटेड पीरियड किस पर्पज के लिए इन द पब्लिक इंटरेस्ट और इन ऑर्डर टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी और फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इस ऑनर उसके ऑनर के बेनिफिट के लिए उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो स्टेट है वो भी किसी न किसी प्रॉपर्टी को जो उसे लगता है कि मुझे ये टेक ओवर करनी चाहिए तो उसको ले सकती है उसको मैनेजमेंट के लिए फॉर अ लिमिटेड पीरियड एंड द नेक्स्ट उस पर भी आर्टिकल ट्वेंटी फोर अप्लाई नहीं होगा उसमें वो ये नहीं कह सकते जो उसके ऑनर हैं कि भाई आप हमें इससे डिस्पोज ऑफ़ नहीं कर सकते ये हमारी प्रॉपर्टी है एनी लाव प्रोवाइडिंग फॉर द एक्जिशन ऑफ एनी क्लास ऑफ प्रोपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ अब जो नेक्स्ट उसने पर्पज़ बताया है ना उसने कहा अगर कोई प्रॉपर्टी इन पर्पजेज़ के लिए भी एकर की गई है तो उस पर भी आर्टिकल ट्वेंटी फोर अप्लाई नहीं होगा फर्स्ट पर्पज़ क्या है प्रोवाइडिंग एडुकेश एजुकेशन एंड मेडिकल एड टू आल और एनी स्पेसिफाइड क्लास ऑफ सिटीजन किसी भी स्पेसिफिक क्लास को या तमाम सिटीजन्स को अगर एजुकेशन या मेडिकल एड के लिए कोई प्रॉपर्टी चाहिए तो वो जो है वो गवर्नमेंट जो है वो एक्वायर कर सकती है लॉ उसकी इजाज़त दे रहा है एंड प्रोवाइडिंग हाउसिंग एंड पब्लिक फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज कोई भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए कोई सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वो कैसी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं रोड्स बनाने हैं वाटर सप्लाई के लिए सीवरेज के लिए गैस एंड इलेक्ट्रिक पावर टू ऑल और एनी स्पेसिफिक क्लास ऑफ़ सिटीजन हो सकता है कि वह एक स्पेसिफिक क्लास के लिए सर्विसज प्रोवाइड करनी हो सकता है वो तमाम सिटीजनस के लिए हों तो ऐसी सूरत हाल के लिए भी जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं जिस तरह हम देखते हैं ना ये टावर्स वगैरह है लगते हैं तो उसमें फिर अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इस जगह पे टावर लगना है फिर वो जिस शख्स की भी प्रॉपर्टी होती है उसको कंपनसेशन देके उससे वो जो प्रॉपर्टी है वो एक्वायर कर लेते हैं एंड द नेक्स्ट इज़ प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस टू दोज़ हु ऑन अकाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सिकनेस इन्फर्मिटी और ओल्ड एज आर अनएबल टू मेंटेन दैसेल्स इसमें यह कह रहा है कि कोई भी ऐसी मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए किन लोगों को जो कि अनएम्प्लॉयमेंट हैं सिक हैं इन्फॉर्मिटी और ओल्ड एज हैं या बूढ़े लोग हैं उनको मेंटेन करने के लिए अगर जो है वो प्रॉपर्टी एक्वायर करनी पड़ रही है तो वो एक्वायर कर सकता है एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट इज एनी एग्जिस्टिंग लॉ और एनी लॉ मेड इन परसेंस ऑफ आर्टिकल 253 वो कह रहा है कि अगर आर्टिकल 253 को देखते हुए कोई लॉ बनाता है तो उस पर भी ये आ, आर्टिकल ट्वेंटी फोर अप्लाई नहीं होगा अब आर्टिकल ट्वेंटी टू फिफ्टी थ्री के आर्टिकल टू फिफ्टी थ्री में पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कानून जो है वो बना सकती है तो अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है तो उस पर भी जो है वो आर्टिकल ट्वेंटी फोर अप्लाई नहीं होगा वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम जो है वो कोई भी ला बना सकती है क्लॉज फोर कह रही है द एडुकेसी और अदरवाइज ऑफ एनी कम्पनसेशन प्रोवाइडेड फॉर बानी सच लॉ इज रेफर टू इन दिस आर्टिकल उसने कहा इस आर्टिकल में जो कंपनसेशन की बात की गई है और डिटर्मन हो सकता है कि वो कम्पनसेशन अगर फिक्स थी तो भी और डिटर्मन इन परसेंस देर ऑफ या उसको डिटर्मन किया गया है डिफरेंट मैनर्स या प्रिंसिपल्स को देखते हुए शेल नोट बी कॉल इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट उसको आप किसी भी कोर्ट में जो है कॉल इन क्वेश्चन नहीं कर सकते उस पर सवाल नहीं उठा सकते कि मुझे थोड़ी कम्पनसेशन दी गई है या ये मेरे साथ फ्रॉड हो गया या मेरे साथ जाती हो गई है वो अथॉरिटी ऑफ लॉ ने जितनी फिक्स किया वो आपको पे कर देगी उसको आप जो है वो अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने कवर किया है अपने हमने टैक्स के थोड़े राइट्स uh, को देखा देन हमने रिलीजियस राइट्स अपने देखे आर्टिकल ट्वेंटी टू में देन आर्टिकल ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर प्रॉपर्टी राइट्स देखे सो इट्स ऑल अबाउट टू डेज लेक्चर अगर आपको समझ आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियोज़ लाइक करें कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं इनशाला हम इसी तरह अपनी ये सीरीज़ लेके चलते रहेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हमारे जो है वो फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो जाएंगे क्योंकि नेक्स्ट हमारे फ़ोर आर्टिकल्स जो हैं वो रह गए हैं तो इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़